get down to the B side. कह रहे होंगे भाई ऐसे क्यों बोल रहा है, इतना डर लग क्यों फील कर रहा है, क्योंकि एक्चुअली तुम्हारे भाई की तबीयत काफ़ी ख़राब है। बट आप पूछोगे जाओ क्यों रहे, जो तबीयत ख़राब है तो भाई ज़रूरी तो है नहीं, क्योंकि भाई आज मेरा एक काफ़ी क्लोज़ फ्रेंड मिलने आ रहा है बहुत टाइम बाद, तो क्लोज़ फ्रेंड ने बुलाया यार कि आ जा, मेरे पास टाइम नहीं बाद में, और जो मुझे पहले से फॉलो करते हैं, जो मुझे जानते हैं पहले से, वो पहचान गए होंगे वो क्लोज़ फ्रेंड कौन है। अब थोड़ा माइंड मत करना क्योंकि वो काफ़ी मेरे को तबीयत ख़राब है, मेरी कोल्ड है मेरे को काफ़ी, तो माइंड मत करना आज की वीडियो में। चलो जय बजरंगबली, ओम नमः शिवाय। सो हे गाइस, सीन ऐसा सा है कि एक प्रॉब्लम हो गई है, जो मेरा गोप्रो है उसने मेरे को डिच कर दिया हमेशा की तरह। गोप्रो ने करा है या मेरे बाइक ने करा, आई डोंट नो, क्योंकि मेरी जो ऑडियो क्लिप आई थी, जो भी ऑडियो है गोप्रो से, वीडियो बिल्कुल ऑलराइट है, ठीक है बिल्कुल वीडियो जो है, बट जो ऑडियो है वो उतनी डिसऑर्डर आ रही है, और वो मैं ऐसी ऑडियो अपनी ऑडियंस को नहीं सुनाना चाहता जिसमें मैं खुद नहीं सुन पा रहा, तो आप लोग कैसे सुन पाओगे। क्योंकि क्या हुआ कि जो ऑडियो है वो बहुत डिसऑर्डर्ड आ रही है और उसमें बहुत स्टैटिक नॉइस आ रही है, तो मैं अब जो भी गोप्रो की फुटेज होएगी उस पर मैं वॉइस ओवर ही करूँगा, बाकी जो नॉर्मल स्टैंडिंग है या नॉर्मल बात करते हुए वो तो बिल्कुल ठीक ही आई है फ़ोन वगैरह से, जो नॉर्मली वॉइस आती है, बट जो भी गोप्रो की वीडियो होगी वो मैं अब वॉइस ओवर करके दिखाऊँगा। एंड बाकी अब मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, आपको पता लग जाएगा कौन है, एंड हम पहुँच चुके हैं अपनी फेवरेट लाइट पे, आप देख सकते हो, तो चलते हैं फिर कंटिन्यू करते हैं। तो बेसिकली जो हमारा मीटिंग पॉइंट था वो बुद्धा गार्डन का था, बुद्धा जयंती पार्क जो है यहाँ का, तो वहाँ का हमारा मीटिंग पॉइंट था, और मेरे को अक्षय यहीं से दिख गया है, शूट कर रहा है मेरे को दिख रहा है यहीं से ही, एंड वो अपनी रेंज ओवर पे और अपनी फ्रेंड की 10R पे आया है। एंड देखते हैं आज का हमारा मेनली पर्पज़ जो रहेगा, वो मेनली हमारा शूट का रहेगा कि हम अपना एक अच्छी पिक्चर क्लिक करवाएं एंड काफ़ी फीड अपनी इंस्टाग्राम की फीड पे डालें, या जहाँ भी डालना वो तो यार देखते हैं कहाँ पर डालेंगे। अब मिलते हैं, देखते हैं क्या सीन है, कहाँ पर जाएंगे। बस बढ़िया, तू थोड़ा मैं वहाँ चला गया था आगे यार, मैं तो फोन किया था फोन ही नहीं मिला। अच्छा भी है पता कहाँ चलना है, चल मेरे भाई बहुत ठंड हो रही है यार, फट गई फटेगी बहुत बुरी, अब टोटापुर पे बहुत ठंड हो रही है। सर तू बता कहाँ आएंगे अच्छी पिक्चर, तो भाई आगे तो बढ़ो। अब तो सच बोल दे, मेरे दोस्त से मिलने आप पहचान गए, जिसने नहीं पहचाना अक्षय सप्रा जो मेरे दोस्त है, स्कूल का फ्रेंड है, एंड आज हम आए हैं बुद्धा जयंती पार्क, तो फोटो थोड़ी फोटो वोटो क्लिक कराते हैं फिर देखते हैं। हाँ चल, तब तक सिनेमैटिक एंजॉय करें। काफ़ी सोचने समझने के बाद हमने ये डिसाइड किया कि हम रैंडमली कहीं भी अच्छी सी जहाँ जगह मिले अब आप फ़ोटो शूट कर लेंगे अपना। एंड यहाँ यहीं पर ही अक्षय मेरे को एक बोलता है कि छोटी सी एक ट्रैक करते हैं, तो यहाँ पर मुझे वो बोलता है कि ट्रैक के लिए, तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई कि इनिशियली जो है Z900 वो ले गई, बट ऑब्वियसली बात 10R है, और देखो आप 10R इन एंड ले गई, क्योंकि यार उसकी हॉर्स पावर और Z900 में फ़र्क है। Z900 इज़ अ नेकेड स्पोर्ट्स एंड वो आपकी फेयरिंग वाली फुल स्पोर्ट्स है, आपकी फुल स्पोर्ट्स बाइक वो लीटर बाइक है, ये लीटर से थोड़ा कम है, मतलब है फ़र्क है। एंड मेनली 10R जीत गई, और वैसे भी हम कोई फॉर्मली रेस तो कर नहीं रहे थे नॉर्मली, क्योंकि अक्षय ने भी हेलमेट नहीं पहना हुआ था एंड राइडिंग गियर नहीं पहने हुए थे, तो हम ज़्यादा तेज ले गए, तो अक्षय की रेंज ओवर उसका फ्रेंड चला रहा था और मैं अपनी Z900 पे एंड वो अपनी 10R पे, तो अब फाइनली हमारे को जगह मिल गई थी, हमने सोचा था यहीं पे ही रुकेंगे, अब बहुत घूम लिए, एक जगह चाहिए जहाँ पर अच्छी सही फ़ोटोज़ आ जाए हमारे को, और कुछ नहीं चाहिए। एंड ये लोकेशन की अलग ही बात है कि इस रोड पे काफ़ी कम लोग आते हैं, तो ये रोड ही हमने चूज़ करी, और यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर मंकीज़ बहुत है,
तो बस यही दिक्कत थी। तो हमने कहा यहाँ पर फिर ड्रैग रेस नहीं करेंगे, बस यहाँ पर फोटो खिंचवाएंगे और ड्रैग रेस एक अलग जगह जाके करेंगे जहाँ पर मंकीज़ का इशू ना हो, क्योंकि यार तेज़ स्पीड पे कोई एकदम से मंकी आ जाए तो दिक्कत हो सकती है। तो हमने फिर सिर्फ फोटो शूट के लिए ये जगह चूज़ करी थी। अब यार देख लिया ठीक है तो कर ले, नहीं तो पिक्चर तो खींच सकते हैं। हाँ पिक्चर खिंचवा ले। बंदर आ जाएंगे ना, ले ना जाए ले ना जाए ले ना जाए, पर बंदर से कुछ ज़्यादा प्यार है भाई। स्टेशन की तरफ आ रहे थे और रास्ते में इसने कर दिया मेरे को पंप, ऐसे रेस करो रेस करो, बिली पॉप हो गई भाई थोड़ी बहुत। अरे मेरे को मैं क्लिप दे दूंगा, इसको क्लिप दे दियो, पर मैं डाल नहीं सकता, मैंने पहना नहीं था। कोई नहीं, भैया थोड़े पास में आ रहे, कोई दिक्कत नहीं है सर। हम लोग ड्रैग कर नहीं रहे थे और इसने पंप कर दिया और रास्ते में ड्रैग हो गई, ना कोई शॉट ले रहा था ना ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। छोटा डिस्टेंस था, कितना होगा? अरे छोटी सी ट्रैक थी यार, थी। मजा आ गया। यहाँ पे आए नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे और मैंने शूट के लिए लेंस निकाला, फोटो वगैरह खींचेंगे। बढ़िया मस्त आती है खींचनी? हाँ भाई, बीजीएमसी के स्टूडेंट है। ऐसी रूट देखते जहाँ पे हम ड्रैग कर सके बाइक की, और बाइक कौन की छोड़ी है, बैटरी पसंद नहीं देखो बाइक की। अरे यार डलवा लेंगे दूसरी। भाई ट्राई कर रहे हैं भाई, कर नहीं पा रहे, पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे से भी नहीं खींची फोटो। भाई काम करो, बीच में बैठ दो, एक गाड़ी वाले को जान दो पहले भाई, कुछ बीच में बैठ, कभी साथ ले जाए, पार ले जाए। कैसे करना है रिकॉर्ड? कैसे करना है? ऐसे में कल तक पहुंचूंगा भाई। अबे यार क्या सीन है ये भाई, कैमरा दूसरे का गिर जाए खामा, दिक्कत हो जाएगी। आराम से चलाओ, बिल्कुल ऐसे तो मैं कल तो इससे तेज से मैं पहले चल लूंगा भाई। One eternity later. 2000 years later. ओ भाई पहुंच चुके हैं सीसीडी, एंड ये मतलब काफ़ी हैपनिंग जगह रहती है दिल्ली में, अगर आप आओ तो ये रात तक खुली रहती है अराउंड 1 बजे तक। पहले टाइमिंग से ज़्यादा थी, अब ये थोड़ा जल्दी बंद कर देते हैं मे बी ऑफ COVID-19 रीज़न, तो अभी थोड़ा जल्दी है, तो अब ये जल्दी खुल जाता है और जल्दी बंद हो जाता है। तो बेसिकली अब पहुँच चुके हैं, फिर देखते हैं यार, भूख काफ़ी लग रही है, सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, तबीयत भी ख़राब है, बट यार ऐसी ड्रैग रेस देख के और ऐसा सब कुछ, मतलब सुबह सुबह होना दिन अच्छा जाता आपका। अब वैसे अगर मैं बड़ा रहता कोई बात, तबीयत ख़राब है घर में पड़ा हो ऐसे ही अपना बेड में रहता, कोई नहीं यार थोड़ा बहुत सह लेंगे थोड़ा। तो अब सीन ऐसा सा है, कुछ हम आए वहाँ पर, हमने थोड़ा खाना वाना खाया, एंड खैर क्या करते हैं, अब भूख भी लग रही सुबह से, खाना वाना खाया तो उस टाइम शूट करेंगे वो नहीं था, बहुत देर भूख लग रही थी तो शूट भी नहीं कर पाए। तो अब सीधा आ गए अक्षय घर पे, तो अक्षय घर पे अब देखते हैं खड़ी करते हैं कहाँ जाएंगे। कुछ कोई सीन होता नहीं है, प्लान होता नहीं है, बस चल देते हैं यार, कोई प्लान होता तो फिर क्या ही कह सकते हैं। मोटो व्लॉगर का कभी भी कोई प्लान नहीं होता, सारे सडन प्लान होते हैं। हम अक्षय का वेट कर रहे हैं, अपनी कार में आ रहा है, तक कितनी लगेगी उसको, तब तक हम वेट कर रहे हैं। कहाँ रह गया भाई, चलो अक्षय आते मैं कंटिन्यू करता हूँ। हाँ अक्षय आया फाइनली, मैंने कहा था जिन्हें लगा दी साले ने, तो इतनी देर बाद अक्षय आया। अब मेरा कोई मूड नहीं था, अक्षय ने बुलाया, अच्छा यार भाई भाई बुला रहा है, मना कैसे कर सकते हैं।
बोलो। सो हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब। अब बोलो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। सब्सक्राइब टू माय चैनल बोल रहा है। तो फाइनली सीन ऐसा है कि अब हम अक्षय घर से निकल चुके हैं। थोड़ी देर हमने स्नो के साथ चिल करा। स्नो यार बहुत ही प्यारा डॉगी है, अपने उसका नेचर और एक मैनर डॉग है बहुत ज़्यादा। और बाय द वे अब मैं चला रहा हूँ 10R क्योंकि हमारा थंबनेल जो था वो रह गया था। तो अभी अक्षय रेंज रोवर चला रहा है और मैं 10R पे हूँ। तो थंबनेल के लिए करना पड़ता है क्या क्या करें। अक्षय के घर के पीछे ही एक जगह है, खाली जगह, तो वहाँ पर हम जा रहे हैं। एंड ऑल्सो इसके बाद मेरे GoPro की बैटरी बस 4 या 5% बची थी, तो एक और लास्ट वीडियो शूट हो पाएगी जो आप देखोगे इसके बाद, इस क्लिप के बाद। एंड उसके बाद मेरा GoPro डेड हो गया था, तो मैं इस चक्कर में आउटरो भी शूट नहीं कर पाया था। एंड जब हम थंबनेल के लिए शूट कर रहे थे तो वहाँ पर उस एरिया में काफ़ी सारे छोटे छोटे बच्चे थे, तो वो हमारे पास मतलब उन्हें झुंड लगा लिया और कह रहे भैया रेस दो रेस दो। तो आप वो रिएक्शन मिस मत करना। और अगर अभी तक आपने वीडियो देखी है तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना यार, इतनी मेहनत से बनता है कंटेंट। थोड़ा सा लाइक करके खुश कर दिया करो हमारे को यार, थोड़ा सा कर दो यार। सब्सक्राइब का बटन बिना दबाए मत जाना। एंड अब ये रिएक्शन देखो, आपको बिल्कुल मज़ा आ जाएगा रिएक्शन देख के बच्चों का। हाँ चालू करो। अच्छा भाई मेरी बाइक ली है वो, आ रहे भैया उनसे पूछ लियो ठीक है। हाँ मेरी बाइक ला रहा है वो, उसमें कर देना। क्या करूँ, उछाल के दिखाऊ। हाँ सही कह रहा है, बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। बच्चों कौन सी बाइक ज़रा अच्छी लग रही है, कौन सी वाली? दोनों अच्छी हैं। वैसे अगर एक चुननी हो कौन सी चुनोगे? ये हरी वाली। अरे इसकी इसकी ये वाली है ना, काली वाली ज्यादा अच्छी है ना। इसकी आवाज सुनो तुम, आवाज अच्छी है। अब इसकी सुनो।